हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जन्मदिन मनाने यानी कि बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़ी हुई कुछ खास बात। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नए वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साल भर में हमें एक खास दिन का इंतज़ार होता है और वो होता है हमारा जन्मदिन यानी कि बर्थडे। जन्मदिन, बर्थडे, सालगिरह, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसका हर किसी को इंतज़ार रहता है। कहा जाता है कि हर एक इंसान को सभी त्यौहार के अलावा इस एक खास दिन का इंतज़ार रहता है। हर दिन चाहे कैसी भी बीत जाए, लेकिन जन्मदिन लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसी के कारण आजकल एक नई परंपरा शुरू हो गई है और वो है रात के 12 बजे बर्थडे मनाने की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात के 12 बजे बर्थडे मनाने या बर्थडे विश करने का जो आप पॉजिटिव इफेक्ट सोचते हैं, ज्योतिष के लिहाज से ये बिल्कुल ही सही नहीं है। जी हाँ, रात के 12 बजे सालगिरह की बधाई देना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। दरअसल ज्योतिष के हिसाब से रात 12 बजे को निशीत काल माना जाता है। ये समय नेगेटिव एनर्जी का होता है। ये शक्तियाँ यानी कि जो ये नेगेटिव एनर्जी है, ये इस समय से ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। इस समय को पिशाच काल भी कहा जाता है, इसलिए कोई भी शुभ काम इस समय शुरू नहीं किया जाता है। पिशाच काल में शुभ काम शुरू करने से परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि इस समय जन्मदिन का केक काटना, शराब पीना, नशा करना या अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को हैप्पी बर्थडे विश करना, इनसे और बैड लक अट्रैक्ट होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि निशीत काल में यानी कि रात 12 बजे से 3 बजे के दरमियान अगर किसी को भी शुभकामनाएं देते हैं तो उस व्यक्ति को आप शुभकामनाएं नहीं बल्कि एक तरह से कहें तो बद्दुआ दे रहे होते हैं। शास्त्रों के हिसाब से ये समय किसी भी ऐसे काम के लिए शुभ नहीं होता है जो खुशी देती है। दरअसल वैदिक ज्योतिष में एक नए दिन की शुरुआत सूर्योदय यानी कि सनराइज के साथ ही होती है। अब इस स्थिति में अगर आपने किसी को बीते रात में ही विश कर दिया तो फिर उसके नए साल के हिसाब से आपने उसे जन्मदिन विश नहीं किया है। सूर्योदय के दरमियान वातावरण शुद्ध और निगेटिव एनर्जियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी किसी को बर्थडे विश करना है तो ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति के जन्मदिन के सूर्योदय हो जाने के बाद ही सुबह या फिर दिन के समय ही उसे बर्थडे विश करें। ऐसे में आपके द्वारा दी गई शुभकामनाएं पॉजिटिव रिजल्ट लाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी जन्मदिन विश करने का जो सही समय है वो समझ में आ गया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।